अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सी मखलूकात पैदा की हैं, इसलिए व्यूअर्स आज मैं आपको दुनिया के वीर्डेस्ट एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। व्यूअर्स, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टैसीटैसी फ्लाई है। व्यूअर्स, टैसीटैसी फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है। इसके काटने से बुखार और अक्सर औकात इसके काटने से लोग बेहोश भी हो जाते हैं। व्यूअर्स, इसके बारे में एक अजीब बात आपको बताता चलूं, ये अपने लार्वास को दूध पिलाती है, यानी ये अपने लार्वास को खुद फीड करती है और ये एक मंथ तक अपने लार्वास को दूध पिलाकर बड़ा करती है। व्यूअर्स, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर प्लैटिपस है। व्यूअर्स, प्लैटिपस के बारे में बहुत से लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो जो हम इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं ये नहायत ही अजीबोगरीब होती जाती है। व्यूअर्स, प्लैटिपस का मुंह बत्तख की तरह होता है, इसके पांव ऊंट के पांव की तरह होते हैं, इसकी आंखें ऑटर की तरह होती हैं और इसकी दुम भी ऑटर की तरह ही होती है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। व्यूअर्स, एक मैमल है, इसकी पिछली टांगों के साथ दो जहरीले एंटीने होते हैं जो इसको शिकार के काम आते हैं। व्यूअर्स, इस जानवर को सिर्फ अमेरिका में नुमाइश के लिए रखा जाता है, वो भी साल में एक बार, और जिस जू में इसको रखा जाता है वो सान डियागो में है। इस जू के अलावा इसको दुनिया में कहीं और नुमाइश के लिए नहीं रखा जाता। व्यूअर्स, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बॉल फिश है। व्यूअर्स, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बदसूरत मखलूकों में से एक है। व्यूअर्स, इसका रंग गुलाबी और सफेद है, जैसे किसी नाराज बूढ़े का रंग है, लाइक किसी एंग्री ओल्ड मैन का रंग है। बस ये मछली आपको समुद्र में 3900 फुट की गहराई में मिल सकती है। व्यूअर्स, ये बहुत आसानी से पकड़ी जाने वाली मछली है। व्यूअर्स, माहीगीर इसको घात लगाकर पकड़ते हैं, इसकी लंबाई तकरीबन 1 फुट होती है। व्यूअर्स, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्पॉन्ज है। व्यूअर्स, स्पॉन्ज एक बहुत अजीबोगरीब मखलूक है। व्यूअर्स, स्पॉन्ज एक बहुत अजीबोगरीब मखलूक है। ये समुद्र की तह में होती है। आप दूर से देखेंगे स्पॉन्ज आपको एक पौधे की तरह लगेगी। ये खलियों और सुराखों से बनी हुई है, इसके अंदर गर्दिशी निजाम नहीं है और ये हरकत नहीं करती और इसका अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल खाली होता है। व्यूअर्स, स्पॉन्ज समुद्र की तह से ही खुराक और ऑक्सीजन लेती है। ये तकरीबन 200 साल तक जिंदा रह सकती है। व्यूअर्स, इस लिस्ट में पहले नंबर पर टार्डिग्रेड है। व्यूअर्स, टार्डिग्रेड को पानी का रीछ भी कहा जाता है। ये आम आंख से नजर नहीं आती क्योंकि व्यूअर्स ये बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको खुर्दबीन से देखा जा सकता है। व्यूअर्स, इसके बारे में एक अजीब बात मशहूर है, ये आपको सहरा में, पानी में और इवन एंटार्क्टिका में भी मिलेगी। व्यूअर्स, ये 0 सेंटीग्रेड से लेके 300 फारेनहाइट तक जिंदा रह सकती है। व्यूअर्स, इसके बारे में एक नहायत ही अजीब बात यह है, ये तापकारी और दबाव को सह सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में एक और अजीबोगरीब बात बताना चाहूंगा, ये पानी के बिना 30 साल तक जिंदा रह सकती है। व्यूअर्स, इसकी 4 टांगे और छोटे छोटे पंजे होते हैं। इस समुद्र में पौधे वगैरह खाकर जिंदा रह सकती है, इसलिए इसको समुद्री रीछ भी कहते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक कीजिएगा, पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।